अगे वध हूँ असी धर्मशाला विच अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की साधना पूरी हो गई है तो दिल्ली रवाना होने तो पहला केजरीवाल ने सर्किट हाउस विच कुछ लोगों नाल मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने धर्मशाला च विप सेना केंद्र विच 10 दिन बिताए जिस तो बाद केजरीवाल तरोताजा महसूस कर रहे ने। उन्हां दा मनना है कि ध्यान लगाउण नाल उन्हां नूं नवीं ऊर्जा मिली है। उत्थे केंद्र अते उपराजपाल जंग दे नाल हक्कां दी खिचोतान ते हाईकोर्ट दे फैसले ते भी अरविंद केजरीवाल तो सवाल पुछया गया जिस उत्ते उन्होंने कहा कि अदालत दे आर्डर नूं पढ़न तो बाद ही टिप्पणी कर सकणगे। हर आदमी की जिंदगी में उथल पुथल होती है, आम आदमी की जिंदगी में उस उथल पुथल को दूर करने की क्षमता आती है, स्ट्रेंथ मिलती है। वन मोर थिंग, हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि जो आपकी सरकार है उसके बॉस है एलजी, तो आपका क्या विचार है? वही मेरे को एक बार जाके देखना पड़ेगा, ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। हिमाचल नूं लेके आम आदमी पार्टी का की प्लान है? इस उत्ते केजरीवाल ने दसिया कि पहला पंजाब का नंबर है, उस तो बाद हिमाचल के बारे में सोचा जाएगा। हिमाचल में बहुत नेज है लोगों में, आम आदमी पार्टी के वो जानना चाहते हैं आपका क्या। हिमाचल पंजाब के बाद है ना, तो पंजाब के बाद बता। इस तो पहला आम आदमी पार्टी हिमाचल दे उना विच रैली कर चुकी है, पर पंजाब च विधानसभा चोणा पहला ने, इसलिए केजरीवाल पूरी ताकत पंजाब विच लगाउणा चाहुंदे ने। एस गोपालपुरी, जी मीडिया, धर्मशाला। जलंधर विच आरएसएस दे आगू जगदीश गगनीजा ते होए हमले विच पुलिस वालों सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है। तीजी अख विच कैद हुई इन तस्वीरां विच हमलावर साफ तौर ते वेखे जा सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार हमलावर बड़े आराम नाल आउंदे ने, फिर फायरिंग करके उत्थों दी रौला पाउंदे हुए फरार हो जाते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज है जिहड़ी पुलिस ने जारी की है। आरएसएस आगू जगदीश गगनीजा हमला मामले में चश्मदीदा ने अपनी जान को खतरा दसते हुए सुरक्षा मंगी है। चश्मदीदा ने यह भी हवाला दिता है कि इस इलाके में 2 महीनों दरमियान गोलीबारी की यह तीजी वारदात है, वह बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जगदीश गगनीजा से हुए हमले की गुत्थी हाले अनसुलझी है। हमले दारा जोड़न च लगी पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। हाले तक सीसीटीवी फुटेज भी इस वारदात के किसी सिरे को पढ़ने में मददगार होती नजर नहीं आ रही। इस दरमियान इस वारदात के चश्मदीदा ने अपनी सुरक्षा को लेकर दुहाई दी है। इस मामले में चश्मदीदा ने पुलिस को अपने ते अपने परिवार की सुरक्षा की अपील की है। उन्होंने दलील है कि उन्होंने इलाके में पिछले 2 महीने तो 3 गोलीकांड हो चुके हैं जिस नाल वह बहुत डरे हुए ने। पता लगा जी एक बंदा इसलिए बोलता जी ते सानू आप डर होएगा जी, क्योंकि किसी वेले वो बंदे ने जिहड़े ने इन्हें वधिया बंदे नू ते इस लैवल दे बंदे नू नहीं छड्डिया ते सानू कित्थों छड्ड देंगे। सानू जां ते सर सिक्योरिटी दित्ती जावे ते या फिर सानू अपनी हिफाजत वास्ते नाल असला भी दित्ता जावे ताकि असीं किसी वेले भी आप भी अपने आप नू स्टोर कर सकीए। उधर जलंधर पुलिस कमिश्नर दा कहना कि मामला हाले उन्हां कोल आया नहीं, चश्मदीद दी हर पक्खों सुरक्षा की जाएगी। नहीं बिल्कुल, हमारा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है और अभी तक मेरे पास आए नहीं है, मैं पता करता हूँ। आज मुझे पहले भी किसी ने बताया कि शायद वो कोई वेपन लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आज उनसे पता करके और जो भी उनके रिक्वायरमेंट होगी विल मेक श्योर दैट विटनेसेस आर सेफ। जिक्र खास है कि आरएसएस के उगे आगू जगदीश गगनीजा नो उस वेले शरेआम गोलियां मारी गई सन जो अपनी पत्नी समेत कार विच घर नूं आ रहे सन। गगनीजा फिलहाल जिरे इलाज में। राजीव वधवा, जी मीडिया। गगनीजा ते हुए हमले के मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, पर हाले तक पुलिस हाथ खाली ने। पुलिस का दावा है कि जांच सही दिशा में जा रही है ते दोषी छेती ही फड़े जाएंगे। जगदीश गगनीजा हमला मामले में शरेआम शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोलियां चला के फरार हुए हमलावर शहर की कानून व्यवस्था से सवाल खड़े कर रहे हैं ते पुलिस खुद सवालों च है। और बेशक 10 तो वध टीमां मुलजमां दा खुरा नप्पण च दिन रात लगिया हुईयां ने, पर कामयाबी हाले पुलिस दे हाथ नहीं लगी। पुलिस दा दावा है कि जांच सही दिशा च है ते दोषी जल्द ही सलाखां दे पिछे होणगे। उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और काफी अच्छी प्रोग्रेस है। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड हमारे साथ और भी एजेंसीज और भी टीम हमने अलग अलग दिशाओं में अलग अलग काम कर रही है और जल्दी कुछ अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। मसला सूबे की कानून व्यवस्था नाल जुड़िया है, सो इसका सियासी रंग लेना जाहिर है, पर हाकम धिर पुलिस की हुण तक की कार्रवाई तो संतुष्ट है ते यकीन जाहिर कर रहे हैं कि पुलिस जल्द ही हमलावरां नूं बेपरदा कर देगी। चुनौती असी मगर लगे हैं,
बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा जी। ये बदमाशी यहाँ चल पंजाब में नहीं चलेगी, हमारी काफ़ी हम क्लोज है और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो लगता है कि बहुत जल्दी जोड़े मुलजम ने वो सलाखों के पिछे होंगे। एक घटना दोबारा रिपीट ना हो पंजाब दे विच शांति का माहौल बनिया रहे, उदे लई केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पूरी चिंतित है और कार्रवाई कर रही है। सवाल सूबे की कानून व्यवस्था नाल जुड़िया ते पुलिस दा वकार भी दाते लगा है। मुलजमान जल्द तो जल्द दबोच पुलिस है शहर की सुरक्षा व्यवस्था से उठ रहे हर सवाल का जवाब देना चाहती है। मुक्तसर तो जसविंदर बब्बर दे नाल राजीव बदवा, जी मीडिया मुक्तसर। हिमाचल में भारी मीह के नाल लोगों की नींद उड़ गई है ते इत्थे पूरे जीवन से प्रभाव पै रहा है। हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में एक पुल मीह की वजह करके ढह गया ते उत्थे हमीरपुर में बारिश की वजह नाल फंसे हुए कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुछ सैकेंडा विच ए पुल ताश के पत्तियां वांग ढह गया। पहला मीह अते फिर हड़ ने हिमाचल प्रदेश में अजिहा कहर बरपा रखा है कि लोग बुरी तरह प्रभावित ने। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की इंदौरा दिया ने जिथे वीरवार को भारी मीह करके आए हड़ के चलते पुल बह गया। राहत की गल यह रही कि जिस वेले पुल टुटिया उस वक्त पुल तो कोई गड्डी नहीं गुजर रही थी, नहीं तो वड्डा हादसा हो सकता सी। इस पुल 1972 में बनाया गया सी। पिछले साल भी इस पुल में कुछ खामियां सामने आई सन पर बावजूद इस दे महकमे ने कोई ठोस कदम नहीं चुके। यह पुल दर्जना पिंडा नू पंजाब नाल जोड़ता है पर हुण इस दे टुटन करके काफी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। हुण तुहानू हमीरपुर ले चलते हैं जिथे तेज मीह ने सड़कां नू तालाब विच तब्दील कर दिता है। गलिया तो गुजरन वाले नाले उफान ते ने। वीरवार नू अचानक आए तेज मीह दे चलते कई लोग नाले दे विचाले फस गए, जिस तों बाद प्रशासन ने रेस्क्यू करके इन्हां नू बाहर कढ़िया। जैसे सूचना मिली संपर्क जो घटनास्थल पहुंचा, घटनास्थल पर देखा कि बहुत पानी जो है सड़क पर आ गया था, जो एक नाला बन गया था। तो बच्चों को पुलिस की गाड़ियों तथा हमारे दमकल जो अग्निशमन बचाव दल था उन्होंने बच्चों को गाड़ियों में सबसे पहले यहाँ पे पता चला कि कुछ बच्चे फंस गए थे, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा हो गया था और वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो इन द मेन टाइम प्रशासन को इस जगह बताया गया और खुशी की बात है कि बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला। एकदम से फायर ब्रिगेड और पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पहुँचा जिन्होंने बहुत अच्छा रेस्क्यू मिशन किया। हिमाचल प्रदेश में तेज मीह ने कहर बरपा रखा है। थां थां ते टिग्गा डिगरिया ने तो कहीं तेज मीह करके नदियां अते नाले उफान ते ने। आंकड़िया की मनीए तो हिमाचल प्रदेश में हूँ तक 414 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, यानी हिमाचल प्रदेश में मीह आफत बन के आया है। पठानकोट तो अजय महाजन के नाल अरविंदर सिंह, जी मीडिया हमीरपुर। तो इस पुल बारे तुहानू जानकारी दिंदे आ, यह पुल जिहड़ा सी उह साल 1972 विच बनाया गया सी। आवाजाही दा मुख लिंक सी इह ते कई पिंडां नू पंजाब नाल जोड़दा सी, हिमाचल दे कई पिंडां नू जोड़दा सी, पर तेज़ मीह ते हड़ दी मार इह पुल हुण चल नहीं सकिया। चार दहाकियां तों वध मजबूती नाल खड़े रहण तों बाद ताश दे पत्तियां वांग इह ढह ढेरी हो गया। इह पुल इंदौरा दा पुल जिहड़ा असीं तुहानू तस्वीरां च विखा रहे हां, हड़ आया तो हड़ की मार ये चल नहीं सकिया, पुल तो डिग पिया है पुल। तो इस वजह न हिमाचल तो पंजाब के कई पिंडा का संपर्क टुट गया है। तो हुण असीं अगे वधांगे सचखंड श्री दरबार साहब विच सोने नूं चमकाउण दी सेवा शुरू कर दित्ती गई है। तो ये सेवा यूके दी संगत वालों की जा रही है। संगत वालों रोज़ सवेरे रीठे दे पाणी नाल इस दी धुलाई की जा रही है।
जिस तो बाद श्री दरबार साहब की इमारत से लगी सोने विच वक्री चमक नज़र आवेगी। काम तुसी देख रहे हो तस्वीर विच किस तरीके चल रहा यूके की संगत वालों, तो इस सेवा विच यूके दे जत्थे दे 20 मैंबर लगे हुए ने। सोने नू साफ करन दी सेवा 1999 विच शुरू की गई सी, 2011 विच SGPC वालों इस सेवा नू रोक दिता गया सी, पर इस साल इस सेवा नू दोबारा शुरू कर दिता गया है। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਲ ਨਾ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਬਣ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਠੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨਸਾਬ ਧੋਣਾ, ਫਿਰ ਟਾਵਲ ਨਸਾਬ ਕਰਨ ਕਲੀਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਰੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ CM ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ।